हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओजेंसिस। मैंने ओवम तक आपको कंप्लीट करवा दिया था। सो मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, तो मैंने इसको बहुत ही ईजी वे में डिस्क्राइब किया है। तो आप प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। सो डेफिनेशन में क्या आएगा कि क्या होती है ओजेंसिस। इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड फीमेल गैमिट ओवा फ्रॉम डिप्लॉइड एग मदर सेल ओगोनिया ऑफ ओवरी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म। अब जो फीमेल ऑर्गेनिजम्स में ओवरी होती है उसमें ये प्रोसेस होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हैप्लोइड फीमेल गैमिट दैट इज ओवा, ठीक है, ओवा की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। और ओवा कैसा होगा, हैप्लोइड होगा। और कहाँ से होगी ये फॉर्मेशन, फ्रॉम डिप्लॉइड एग मदर सेल ओगोनिया से, ठीक है। ओगोनिया से जो होगा वो ओवा बनेगा। और आपको याद रखना है कि ओगोनिया कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड एग मदर सेल है ओगोनिया, और ओवा जो है वो हैप्लॉइड फीमेल गैमिट है, ठीक है। तो क्या होता है कि हैप्लॉइड फीमेल गैमिट ओवा की फॉर्मेशन होती है, और कहाँ से होती है, डिप्लॉइड एग मदर सेल ओगोनिया से, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ओजेंसिस, ये प्रोसेस होगी ओजेंसिस की। इसके बाद है इसके पीरियड्स, समय काल कितना होता है इसमें। इट डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में इसका टाइम अलग अलग होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। सो इसमें हम ह्यूमन फीमेल्स की बात करेंगे। अबाउट 1500 प्राइमरी जर्म सेल्स इन अनडिफ्रेंशिएटेड फीमेल गोनेड, अनडिफ्रेंशिएटेड जो फीमेल गोनेड होगा उसमें लगभग कितने प्राइमरी जर्म सेल्स होंगे, 1500। और ये कब होंगे, एट वन मंथ ऑफ फीटल डेवलपमेंट, जब फीटल डेवलपमेंट होगी तो उसके फर्स्ट मंथ में कितने होंगे, 1500। एट टू मंथ में कितने होंगे, 600,000 ओगोनिया, ठीक है। प्राइमरी जर्म सेल से क्या बनेगा, ओगोनिया बन जाएंगे, और ये कितने होंगे, 600,000। फिफ्थ मंथ में क्या होगा कि ओवरी कंटेन्स ओवर 7 मिलियन ओगोनिया, तो ओवरी में कितने ओगोनिया आ जाएंगे, 7 मिलियन से ज़्यादा, ठीक है। ओवरी में कितने बनेंगे ओगोनिया, 7 मिलियन से ज़्यादा, ठीक है। तो ये कब बनेंगे, फिफ्थ मंथ में। मैनी अंडरगो अट्रेसिया बिफोर बर्थ, लेकिन 7 मिलियन से क्या होगा, मैक्सिमम जो होंगे वो अट्रेसिया हो जाएगी, उसकी डिजनरेशन हो जाएगी जर्म सेल्स की एंड प्राइमरी फॉलिकल्स की बिफोर द बर्थ, बर्थ से पहले। एट द टाइम ऑफ बर्थ, अब बर्थ के टाइम पे क्या होगा, 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे ओवरी में, जिसमें 50% ऑफ दिस आर अट्रैक्टिक, 50% क्या होंगे, अट्रैक्टिक हो जाएंगे, डिजनरेट हो जाएंगे। अट्रेसिया कंटिन्यूज, अट्रेसिया जो होगा वैसे कंटिन्यू चलती रहेगी, डिजनरेशन होती रहेगी। एंड एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के टाइम पे क्या होगा, ओवरी कंटेन्स लेस देन 3 लाख प्राइमरी फॉलिकल्स, ओवरी में 3 लाख से भी कम प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी में क्या होगा कि ओवरी में 3 लाख से भी कम प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे। अब जो ओजेंसिस है वो कब कंप्लीट होती है, ओनली आफ्टर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है तब क्या होता है, ओजेंसिस कंप्लीट होती है। तो मतलब ये बहुत ही लंबा प्रोसेस है, ठीक है। तो बिटवीन 10 to 14 ईयर्स आफ्टर बर्थ, प्यूबर्टी कब आएगी, बिटवीन 10 to 14 ईयर्स में। सो ओजेंसिस इज अ डिसकंटिन्यूअस एंड हाईली वेस्टफुल प्रोसेस। सो हम बोल सकते हैं कि ओजेंसिस जो है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है और बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है। तो क्या होता है कि फर्स्ट मंथ में 1500 प्राइमरी जर्म सेल्स आएंगे, सेकंड मंथ में 600,000 ओगोनिया आएंगे, फिफ्थ मंथ में 7 मिलियन से भी ज़्यादा ओगोनिया आएंगे, जिसमें से क्या होंगे, कुछ डीजनरेट हो जाएंगे, डीजनरेशन हो जाएगी कुछ जर्म सेल्स की और प्राइमरी फॉलिकल्स की। और बर्थ के टाइम पे 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे, जिसमें से 50% क्या होंगे, अट्रैक्टिव हो जाएंगे। अट्रेसिया जो होगी वो कंटिन्यूस होती रहेगी, और प्यूबर्टी के टाइम पे ओवरी में 3 लाख से भी कम प्राइमरी फॉलिकल्स होंगे। सो ओजेंसिस जो है वो कब कंप्लीट होगी, ओनली आफ्टर ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आने के बाद ओजेंसिस कंप्लीट होगी। और प्यूबर्टी कब आती है, बिटवीन 10 to 14 ईयर्स आफ्टर बर्थ। सो हम क्या बोल सकते हैं कि जो ओजेंसिस है वो एक डिसकंटिन्यूस है एंड हाईली वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है। तो इसके बाद क्या है, मैकेनिज्म है इसके बाद। तो मैकेनिज्म में 3 फेजेस आएंगे, जिसमें सबसे पहले है मल्टीप्लिकेटिव, और जिसको हम प्रोलिफ्रेटिव फेज भी बोलते हैं।
सेकेंड है ग्राउथ फेज एंड लास्ट है मैचुरेशन फेज। सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सो मल्टीप्लिकेटिव फेज क्या होता है? ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट सर्टेन सेल्स इन द जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ द ओवरी आर लार्जर देन अदर्स एंड ऑल्सो हैव लार्जर न्यूक्लियाई। फीटल डेवलपमेंट के दौरान क्या होगा, देखा जाएगा कि जो ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम लेयर हो, जो आउटर लेयर होती है, उसमें जो कुछ सेल हैं, सर्टेन सेल्स हैं, वो अदर सेल्स से लार्जर हैं और उनका न्यूक्लियाई भी लार्ज है। और कब है ये? ड्यूरिंग द फीटल डेवलपमेंट, कि जो ओवरी की जर्मिनल एपिथेलियम है उसमें जो सेल्स हैं वो अदर सेल्स से लार्जर हैं, सर्टेन सेल्स, ठीक है, कुछ सेल्स जो हैं वो लार्जर हैं अदर्स से और उनका न्यूक्लियाई भी लार्ज है। अब ये सेल्स जो होंगे वो उनकी माइटोटिक डिवीजन होगी एंड वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स, जिसको हम ऊगोनिया भी बोल सकते हैं या फिर एग मदर सेल्स भी बोलते हैं। अब ये जो एग मदर सेल्स होते हैं वो उसमें क्या होता है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 इन ह्यूमंस एंड ऊगोनिया मल्टीप्लाई बाय माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, जो एग मदर सेल्स हैं उसमें डिप्लॉयड नंबर क्रोमोसोम्स होंगे और जो ऊगोनिया है वो मल्टीप्लाई करेगी माइटोटिक डिवीजन, मतलब इसमें माइटोटिक डिवीजन होगी। विच प्रोजेक्ट इनटू स्ट्रोमा एज अ कोड द एग ऑफ फ्लगर एंड लेटर बिकम्स राउंड मास। ठीक है, तो ये क्या किस में प्रोजेक्ट करेगी? स्ट्रोमा एज अ कोड, जिसको हम एग ऑफ फ्लगर भी बोलेंगे, और ये लेटरली कैसी बन जाएगी? ये राउंड मास की तरह हो जाएगी, गोल हो जाएगी, एग नेस्ट भी बोलेंगे जिसको हम। ठीक है, तो इस एग्नेस्ट में से क्या होगा, जो एक सेल होगा, जो एग्नेस्ट होगा उसमें से, जो आप एज्यूम कीजिए ऐसे कि एग्नेस्ट से एक सेल जो होगा वो क्या करेगा, ग्रो करेगा और प्राइमरी ओसाइट बनाएगा। ठीक है, जो एक सेल होगा वो ग्रो करेगा और प्राइमरी ओसाइट बनाएगा, लेकिन जो अदर सेल्स उसमें रह जाएंगे वो अपनी पोटेंशियलिटी लूज कर देंगे एंड रेगुलर लेयर फॉर्म करेंगे, जिसको हम फॉलिकुलर एपिथेलियम बोलेंगे। And this follicular epithelium round primary oocyte and nourish it. अब ये जो follicular epithelium होगा, मतलब जो cells जो होंगे अपने potentiality को lose कर देंगे, वो क्या करेंगे, वो primary oocytes के around में होंगे और उसको nourish करेंगे, nourishment provide करेंगे। अब इसके बाद जो structure बनेगा उसको हम primary ovarian follicles बोलेंगे या फिर इसको हम graafian follicles भी बोल सकते हैं। अब क्या होता है कि addition of primary graafian follicles growth of ovaries, जो प्राइमरी ग्राफिन फॉलिकल्स की जो एडिशन होगी उसका क्या रिजल्ट आएगा? उसका रिजल्ट आएगा कि ओवरीज में भी ग्रोथ देखने को मिलेगी, ओवरीज में भी ग्रोथ होगी। प्राइमरी ओसाइट्स रिमेन्स इन मायोसिस वन अंटिल जस्ट बिफोर ओवुलेशन इन एन अडल्ट फीमेल एंड दिस इज द फर्स्ट रेस्टिंग पीरियड। सो जो प्राइमरी ओसाइट्स होगा वो जब वो मायोसिस वन के प्रोफेज में ही रहेगा और कब तक? अंटिल जस्ट बिफोर ओवुलेशन, ओवुलेशन से पहले तक इन एन अडल्ट फीमेल, अडल्ट फीमेल्स में। ठीक है, और इसको हम रेस्टिंग पीरियड भी बोलते हैं। क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव फेज की? फीटल डेवलपमेंट के दौरान ओवरी की जो जर्मिनल एपिथेलियम होगा उसके सर्टेन सेल्स जो होंगे वो लार्जर होंगे अदर्स से, अन्य सेल्स से जो होंगे वो बड़े होंगे और उनका न्यूक्लियाई भी जो होगा वो बड़ा होगा। और जो सेल्स होंगे उसमें माइटोटिक डिवीजन होगी और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? अनडिफ्रेंशिएटेड जर्म सेल्स, जिसको हम ऊगोनिया भी बोलते हैं और एग मदर सेल्स भी बोलते हैं। अब एग मदर सेल्स में क्या होगा? डिप्लॉयड नंबर होंगे क्रोमोसोम्स में, क्रोमोसोम्स के, और इसमें क्या होगी? माइटोटिक डिवीजन होगी, जिसके बाद क्या होगा, एक राउंड मास बनेगा जिसको हम एग्नेस्ट बोलेंगे। एग्नेस्ट में से एक सेल जो होगा वो ग्रो करेगा और प्राइमरी ओसाइट बनाएगा, लेकिन अदर्स ऊगोनिया जो होंगे एग्नेस्ट से वो अपनी पोटेंशियलिटी को लूज कर देंगे और रेगुलर लेयर बना देंगे, जिसको हम फॉलिकुलर एपिथेलियम बोलेंगे। और ये फॉलिकुलर एपिथेलियम जो होगा वो प्राइमरी ओसाइट के राउंड में होगा और इसको नरिश करेगा। इसके बाद जो ये स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम ग्राफिन फॉलिकल्स बोलेंगे, और ग्राफिन फॉलिकल्स की जब एडिशन होगी तो ये अपना रिजल्ट कैसे देगा? इससे ओवरीज में भी ग्रोथ होगी एंड जो प्राइमरी ओसाइट्स होगा वो मायोसिस वन के प्रोफेज में रहेगा जस्ट बिफोर द ओवुलेशन इन एन अडल्ट फीमेल्स, और इसको हम फर्स्ट रेस्टिंग पीरियड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था आपका मल्टीप्लिकेटिव फेज। इसके बाद है ग्राउथ फेज। अगर आपको मेरी वीडियो फास्ट लग रही है तो आप जो है वो अपनी सेटिंग्स में जाके स्पीड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं। सो इसके बाद है ग्राउथ फेज।
सो ग्राउथ फेज ऑफ प्राइमरी ओसाइट इज वेरी लॉन्ग एक्सटेंडिंग ओवर मैनी ईयर्स. सो ग्राउथ फेज एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है और इसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है. इसमें क्या होता है कि साइटोप्लाज्म इंक्रीज करता है, न्यूक्लियस जो होता है वो एनलार्ज होता है आफ्टर द प्यूबर्टी. सो कौन कौन से एनिमल्स में कितने कितने डेज होते हैं ग्राउथ फेज? सो हेन में जो प्राइमरी ओसाइट इज वेरी लॉन्ग, सो फ्रॉग फेज जो है बहुत ही लॉन्ग इन फीमेल्स में फेज है, एक्सटेंडिंग ओवर मेनी इयर्स, इंक्रीज इन साइज ऑफ ओगोनियम है. सो ग्राउथ फेज में क्या होता है, साइटोप्लाज्म ओगोनियम का साइज इंक्रीज एनलार्जेस आफ्टर न्यूक्लियस बिकम्स ब्लॉटेड विद द न्यूक्लियोप्लाज्म, एंड साइटोप्लाज्म जो है वो इंक्रीज करता है. सो इसमें क्या होगा, इसमें बड़ा हो जाता है, ओगोनियम का साइज इंक्रीज करेगा. सो न्यूक्लियस जो ग्राउथ फेज है वो होगा न्यूक्लियोप्लाज्म में कितना कितना होता है, जर्मिनल वेसिकल्स में बोलेंगे, हैंड में थिन वाइट लाइन मेम्ब्रेन सीक्रेटेड अराउंड ओसाइट. सो ओसाइट के अराउंड में थिन वाइट लाइन मेम्ब्रेन सीक्रेट होगी. इंक्रीज इन नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर भी इंक्रीज करेगा. और किसका इंक्रीज करेगा, अमाउंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी, इनके नंबर्स भी इंक्रीज करेंगे. इसमें लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होगी. सो देखिए क्या होता है कि ओगोनियम का साइज इंक्रीज हो गया. सेकंड पॉइंट आ गया आपका कि न्यूक्लियस भी एक फुला हुआ होगा विद न्यूक्लियोप्लाज्म एंड दैट इज नोन एज जर्मिनल वेसिकल्स. थिन वाइट लाइन मेम्ब्रेन सीक्रेट होगी अराउंड द ओसाइट. माइटोकॉन्ड्रिया अमाउंट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडी का नंबर भी इंक्रीज करेंगे. और लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स की फॉर्मेशन होगी. जो लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं और किसने डिस्क्राइब किया है सबसे पहले इसको, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय वाल्टर फ्लेमिंग एंड रकर्ट इन 1882. ये आपको भी एब्स एंड एमसीक्यूज भी आ सकता है एग्जाम्स में. सो क्या होते हैं लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स, स्पेशल फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स फाउंड इन ग्रोइंग ओसाइट्स ऑफ मोस्ट एनिमल्स एक्सेप्ट मैमल्स, ठीक है, एंड डेवलप्ड इन टेल और टेललेस एम्फीबियंस बर्ड्स रेप्टाइल्स फिशेस इंसेक्ट्स बट नॉट इन मैमल्स. ये क्रोमोसोम्स के स्पेशल फॉर्म होती है जो किस में पाए जाते हैं, ग्रोइंग ओसाइट्स में, या जिसको हम इमेच्योर एग्स भी बोलते हैं, ऑफ मोस्ट ऑफ मैमल्स में. लेकिन ये मैमल्स में मतलब ह्यूमंस में नहीं होता है, मोस्ट ऑफ एनिमल्स में होते हैं, मैमल्स में नहीं होता है ये, ठीक है. स्पेशल फॉर्म होती है क्रोमोसोम्स की जो इमेच्योर एग्स में पाई जाती है, एनिमल्स के इमेच्योर एग्स में पाई जाती है लेकिन मैमल्स में नहीं होती है. इसमें टेल्स भी हो सकते हैं, टेलेस एनिमल्स भी आ सकते हैं, एम्फीवियंस बर्ड्स रेप्टाइल्स फिशेज इंसेक्ट्स, ये इन सब में क्या होंगे, लैम्ब्रस क्रोमोसोम्स हो सकती है लेकिन ये मैमल्स में नहीं होगे, ठीक है. तो ये है आपका ग्राउथ फेज. इसके बाद है मैचुरेशन फेज. इट करैक्टराइज्ड बाय मायोसिस, इसमें क्या होगी, मायोसिस होगी. ग्राउथ फेज में मल्टीप्लिकेटिव फेज में जो थी वो माइटोसिस थी, माइटोटिक डिवीजन था, इसमें मायोसिस होगी. डिप्लॉयड और फुली ग्राउंड प्राइमरी ओसाइट्स अंडरगोज मायोसिस वन, जिसको हम रिडक्शनल डिवीजन भी बोलेंगे, ठीक है. जो प्राइमरी ओसाइट्स होगा, फुली ग्रोन प्राइमरी ओसाइट्स जो होगा उसमें मायोसिस वन होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी एंड फॉर्म टू अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स, जिसकी वजह से दो अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, एक लार्ज होगा एक स्मॉलर होगा. जो स्मॉलर सेल्स होगा उसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे और इसमें जो साइटोप्लाज्म होगा वो भी स्मॉल होगा, स्मॉल अमाउंट का होगा. लेकिन जो सेकेंडरी ओसाइट्स होंगे, जो लार्ज सेल्स होंगे, इस सारे सेल्स में जो होगा वो साइटोप्लाज्म से भरा होगा और एंड दिस विल अंडर मायोसिस टू, और जिससे क्या होगी, मायोसिस टू होगी, इक्वेशनल डिवीजन. जो लार्ज सेल्स होगा वो फिर से डिवीजन में जाएगा, इसमें मायोसिस टू में जाएगा ये, जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते हैं. इससे फिर से एक स्मॉलर सेल बनेगा, एक लार्जर सेल्स बनेगा. स्मॉलर सेल को हम सेकंड पोलर बॉडी बोलेंगे, जिसमें बहुत ही छोटा साइटोप्लाज्म होगा, लेकिन जो लार्ज सेल होगा उसको हम ओटिड बोलेंगे. और ये क्या बनाएगा, डिफ्रेंशिएटेड इनटू ओवम, ओवम में ये डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ठीक है. क्या होता है मैचुरेशन फेज में, जो फुली ग्रोन प्राइमरी ओसाइट्स होगा उसमें मायोसिस वन होगी, रिडक्शनल डिवीजन होगी, टू अनइक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे, एक स्मॉलर होगा एक लार्जर होगा. और ये लेकिन ये दोनों कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे और इन दोनों में 23 ईच हैज 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है, दोनों में 23 क्रोमोसोम्स होंगे. जो स्मॉलर सेल्स होगा उसको हम फर्स्ट पोलर बॉडी बोलेंगे, साइटोप्लाज्म का अमाउंट भी इसमें स्मॉल होगा, ये फिर से डिफ्रेंशिएट होगा लेकिन इसमें से फिर से स्मॉलर सेल्स बनेंगे. लेकिन जो सेकेंडरी ओसाइट्स होगा, जो बड़ा सेल बना है उस सारे सेल्स में साइटोप्लाज्म होगा और ये क्या होगा, फिर से ये डिफ्रेंशिएट होगा, मायोसिस टू होगी इसमें और ये इक्वेशनल डिवीजन करेगा, जिससे क्या होगा, फिर से दो सेल्स बनेंगे,
एक स्मॉलर होगा एक लार्जर होगा। जो स्मॉलर होगा उसको हम सेकेंड पोलर बॉडी बोलेंगे एंड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट इन इट, और जो लार्ज सेल्स होगा उसको हम ऊटिड बोलेंगे और ये फिर से डिफ्रेंशिएट होगा ओवम में। सो स्टूडेंट्स ये था आपका ऊजेंसिस का टॉपिक। आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मेरे को इजिली कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अपने लिए हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।